हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। मैं आपका दोस्त दिनेश सैनी स्वागत करता हूं आप सभी के का हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, अपन पढ़ रहे थे बाल मनोविज्ञान। बाल मनोविज्ञान में अपन ने खूब सारे चैप्टर्स दोस्तों पढ़े हैं। अपन अवस्थाओं के बारे में पढ़ रहे थे। अपन ने शेषो अवस्था पढ़ ली है, बाल्यावस्था पढ़ ली है, और आज मैं आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट अवस्था जो कि प्रत्येक टीचर एग्जाम में आप लोगों को देखने को मिलेगी, वो क्या है? किशोरावस्था, एडोलसेंस जिसे अपन कहते हैं, किशोरावस्था कहते हैं। तो दोस्तों, किशोरावस्था की जो आयु होती है तो वो 12 से 19 वर्ष तक की होती है। किशोरावस्था की आयु क्या होती है? 12 से 19 वर्ष तक होती है। इसमें भी दोस्तों, किशोरावस्था को अपन दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, पूर्व किशोरावस्था और उत्तर किशोरावस्था। पूर्व किशोरावस्था जिसे अपन वय संधि भी कहते हैं, वय संधि काल भी कहते हैं, एज ऑफ प्यूबर्टी, क्या कहते हैं? एज ऑफ प्यूबर्टी कहते हैं, वो 12 से 16 तक होती है, और उत्तर किशोरावस्था 17 से 19 वर्ष तक होती है। तो इतना समझ में आया कि किशोरावस्था को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एडोलसेंस कहते हैं। उम्र क्या होती है? 12 से 19 वर्ष। किशोरावस्था के दो पार्ट, पूर्व किशोरावस्था जिसे अपन वय संधि काल कह सकते हैं, एज ऑफ प्यूबर्टी कह सकते हैं, 12 से 16 वर्ष तक होती है। उत्तर किशोरावस्था 16 से 19 वर्ष तक होती है। बात करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट कथन की, इम्पोर्टेंट फैक्ट्स की, जो मनोवैज्ञानिकों ने किशोरावस्था के बारे में बोला है। तो स्टेनले होल, जो कि बाल मनोविज्ञान का जनक माना जाता है, वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं किशोरावस्था तनाव, तूफान व संघर्ष की अवस्था है। किशोरावस्था किसकी अवस्था है? तनाव, तूफान और संघर्ष की अवस्था है। किसका, कौन सी अवस्था? किशोरावस्था। ऐसा किसका मानना है? ऐसा स्टेनले हॉल का मानना है। एक और परिभाषा देते हैं स्टेनले, और वो कहते हैं कि किशोरावस्था एक नया जन्म है। किशोरावस्था एक नया जन्म है। ये दोनों बातें किसकी कही गई है? तो ये स्टेनले होल की कही गई है। स्टेनले होल कौन था? एक मनोवैज्ञानिक था, जिसको क्या माना जाता है? बाल विकास का जनक माना जाता है। किलपैट्रिक ने किशोरावस्था को जीवन का कठिन काल कहा है। तो जीवन का कठिन काल कौन सा होता है? ये किशोरावस्था होता है। और ऐसा किसका मानना है? किलपैट्रिक का मानना है। अब आपको स्टेनले होल की परिभाषा समझ में आ गई। तनाव रहता है, पढ़ाई की चिंता रहती है, नौकरी की चिंता रहती है, फ्यूचर की चिंता रहती है, ऐसे मन में तूफान रहता है, जज्बा रहता है, कर देंगे यार, अपन ही करेंगे, वो अपन नहीं करेंगे तो कौन करेगा, संघर्ष करने की अवस्था होती है दोस्तों। तो ऐसा स्टेनले होल का मान, कठिन काल होता है दोस्तों, तनाव रहता है। तो सबसे ज़्यादा कठिन काल मैं भी पर्सनली मानता हूँ कि वो कौन सी अवस्था होती है? किशोरावस्था होती है। हरलोक महोदया क्या कहती है? हरलोक महोदया कहती है कि किशोर स्वयं के लिए एक समस्या होता है। किशोर क्या है? एक समस्या है। किसके लिए? स्वयं के लिए। किशोर की जीवन में खुशियां, हर्ष, कुंठा, निराशा व दिल तोड़ने वाली स्थिति होती है। किसी लड़की ने उसे प्यार से देख लिया, खुशी हो जाती है, उससे बात कर ली, उसे हर्ष हो जाता है, उससे बात नहीं करी, उसे निराशा हो जाती है, और वो छोड़ के चली जाए तो दोस्तों दिल टूट जाता है। तो ऐसा किसका मानना है? श्रीमती हरलोक का मानना है। फ्रंक कहते हैं किशोरावस्था के बारे में कि किशोर विद्रोही भावना रखते हैं, बिल्कुल विद्रोही भावना रखते हैं किशोर, नो डाउट। क्रो एंड क्रो कहते हैं कि किशोर वर्तमान तथा भावी जीवन की आशा को व्यक्त करता है। किशोर क्या करता है? वर्तमान, प्रेजेंट और फ्यूचर की होप्स जो होती है वो किशोर होती है। वैलेंटाइन महोदय क्या कहते हैं? वैलेंटाइन महोदय कहते हैं कि अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय होता है। सही बात है भाई साहब, मोहल्ले वाले कहते हैं घर वालों को कि थारे छोरे ने काबू में कर लियो, नहीं तो हाथों निकल जावे को। संगति का बहुत ज्यादा असर पड़ता है दोस्तों। किशोरावस्था के कुछ सिद्धांत हैं, वो कौन कौन से हैं और किसने दिए, देखते हैं। आकस्मिक विकास का सिद्धांत, सडन चेंज, ये स्टेनले होल ने दिया था। आकस्मिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? स्टेनले होल ने दिया। कौन? अपनी पुस्तक में दिया, एडोलसेंस में। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी स्टेनले होल ने 1904 में, पुस्तक का नाम क्या था? एडोलसेंस। और जिसमें उन्होंने सिद्धांत दिया आकस्मिक विकास का सिद्धांत, कि जो किशोरों में जो परिवर्तन होते हैं वो अचानक होते हैं। परिवर्तन क्या होते हैं? अचानक होते हैं दोस्तों।
कर्मिक विकास का सिद्धांत ये किसने दिया था? ये थॉर्नडाइक किंग व होलिंगवर्थ ने दिया था। ये इनका मानना है कि परिवर्तन अचानक नहीं होते, परिवर्तन धीरे धीरे होते हैं। परिवर्तन क्या होते हैं? परिवर्तन धीरे धीरे होते हैं। तो ये दो सिद्धांत थे, आकस्मिक विकास का सिद्धांत जो कि स्टैनले हॉल ने दिया था, कर्मिक विकास का सिद्धांत जो कि थॉर्नडाइक किंग व होलिंगवर्थ ने दिया था, जिनका मानना है कि परिवर्तन धीरे धीरे होते हैं। किशोरावस्था की कुछ विशेषताएं हैं दोस्तों जो मैं आपको बताता हूं कि किशोरावस्था में अधिकतम शारीरिक विकास होता है, जैसे लड़कों को दाढ़ी मूंछ का आना, ठीक है, और लड़कियों में भी बहुत सारे चेंजेज होते हैं। अधिकतम मानसिक विकास होता है, मतलब मानसिक विकास भी बहुत ज़्यादा तक हो जाता है। किशोरों में वीर पूजा की भावना होती है, नायक पूजा की भावना होती है, चिंताओं में वृद्धि होती है, बिल्कुल चिंताओं में वृद्धि होती है। किसी लड़की ने देख लिया खुशी हो जाती है, उसने दिल तोड़ दिया चिंता हो जाती है बेचारे को। समाज सेवा की भावना बहुत ज़्यादा होती है, किशोर क्या करते हैं? समाज सेवा कर। दिवा स्वप्न की प्रवृत्ति होती है, दिन में सपने देखना किशोरों की एक प्रमुख विशेषताओं में एक है। घनिष्ठ मित्रता की भावना होती है दोस्तों, घनिष्ठ मित्रता, दोस्त के लिए जान दे देना, घनिष्ठ मित्रता की भावना होती है। आत्मसम्मान की भावना होती है किशोरों में, किशोरों में आत्मसम्मान की भावना होती है। विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण, ये किशोरों की सबसे इम्पोर्टेंट विशेषताओं में से एक है। किसी भी लड़के ने लड़की को देखा, भाई साहब हर बार, उस हमारा एक फ्रेंड था, उसे हर बार ट्रू लव हो जाता है, हर बार ट्रू लव हो जाता है। जब भी लड़की को देखता उसे ट्रू लव हो जाता है, फिर वो छोड़ के चली जाती है, बेचारा चिंता में आ जाता है। मैं तो कहता हूँ चाहिए लड़कियों का चक्कर छोड़, नौकरी वोकरी की तैयारी कर, अच्छी लड़की मिल जाएगी। लेकिन नहीं, किशोरावस्था की तो विशेषता यही है कि विपरीत लिंग के प्रति क्या होता है? आकर्षण होता है। किशोरावस्था में समस्याएं भी बहुत ज़्यादा होती है दोस्तों। एलोक्सा नर्वोसा ज़्यादातर लड़कियों में पाई जाती है और लड़कों में भी पाई जाती है। ये एक समस्या है दोस्तों। इसमें क्या होता है कि वो बहुत ज़्यादा कम खाना खाती है, अपने आप को पतला रखने के प्रयास में, अपने आप को पतला रखने के प्रयास में, मतलब कटरीना कैप जैसा फिगर बनाने के चक्करों में वो क्या करती है? कम खाना खाती है। एक होता है बुलीमिया, मतलब ज़्यादा खाना खाना। तो आपको ये दो टर्म याद रखनी है, एलोक्सा नर्वोसा जो अपने आप को पतला रखने का प्रयास है कम खाना खा के, बुलीमिया मतलब ज़्यादा खाना खाना। सामाजिक दबाव की समस्या बहुत ही ज़्यादा रहती है दोस्तों, समाज का दबाव रहता है, समाज क्या कहेगा, चार लोग क्या कहेंगे, है ना, सुना होगा आपने वो चार लोग क्या कहेंगे, वह सब दबाव रहता है। अपराधी प्रवृत्ति की समस्या रहती है दोस्त, अगर आपकी संगति बढ़िया है तो आप बढ़िया काम करोगे, अगर संगति में थोड़ी सी विसंगति है तो भाई साहब वो डायलॉग आपने सुना होगा कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, तो वो मछली सबको पता है कौन हो सकता है। तो ये कुछ विशेषताएं थी दोस्तों किशोरावस्था की। तो अब मैं आपके लिए लेके आऊँगा दोस्तों बाल विकास के प्रमुख सिद्धांतों के बारे में अपन पढ़ेंगे कि कौन कौन से सिद्धांत किस किस मनोवैज्ञानिक ने दिए थे, उन सिद्धांतों का मतलब क्या है और वो कहना क्या चाहते हैं। मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।